કેમ છો બધા? મજામાં? સો આજ કા વિષય રહેગા જોબ્સ ઇન પીટર બોરો. સો જોબ્સ કી બાત કરેંગે. અભી જોબ્સ કે રિગાર્ડિંગ કાફી એક ઇશ્યુઝ ચલ રહે ફ્રોમ સ્ટુડન્ટ્સ કે બીચ. તો રીઝન હૈ કી જો પુરાને વાલે સ્ટુડન્ટ્સ હૈ ઉસકે પાસ અનલિમિટેડ વર્ક આવર હૈ, જિસકે હિસાબ સે જો કરંટ સ્ટુડન્ટ્સ હૈ ઉસકો કાફી એક પ્રોબ્લેમ્સ આ રહી હૈ કી જોબ્સ ફાઇન્ડ કરને કે લિયે, સ્પેશિયલી ઇન પીટર બોરો. સો ઉસી સિનારિયો કે બીચ એક જો બંદા હૈ જિસકા નામ હૈ સપનિલ, જિસને અરાઉન્ડ 10 દિન મેં અપની પાર્ટ ટાઈમ જોબ ફાઇન્ડ કર લી. સો ઉસકે પીછે ક્યા પ્રોસીજર હૈ, ક્યા બંદે ને સ્ટ્રેટેજી લગાઈ, ક્યા રેઝ્યુમે મેં ક્યા કિયા બંદે ને, સો આજ ઉસી કે સાથ બાતચીત કરેંગે. તો ચલતે હૈ વિડિયો સ્ટાર્ટ કરતે હૈ. સો ગાઈઝ, હમારી બીચ આ ગયા હૈ મેરા ફ્રેન્ડ. સો આજ ઉસી કે સાથ પૂરી બાતચીત કરેંગે. અપને બારે મેં બતાઓ કુછ. મેરા નામ સ્વપ્નિલ હૈ ઓર મેં ગુજરાત સે હું ઓર મેં યહાં પે સપ્ટે મેં ઇન્ટેક મેં આયા હું. મેં યહાં પે ટ્રેન્ડ યુનિવર્સિટી મેં અપના માસ્ટર્સ કર રહા હું. ઓકે, સો અરાઉન્ડ કિતને દિન મેં આપકી જોબ લગી? અરાઉન્ડ મેં 10 દિન મેં મુજે અપની જોબ લગ ચુકી હૈ યહાં પે, પાર્ટ ટાઈમ જોબ. ઓકે, સો કિતને દિન પહેલા આ ગયે થે આપને? અચ્છા, તો મેરી યુનિવર્સિટી ક્લાસીસ હૈ વો 5 સપ્ટેમ્બર કો સ્ટાર્ટ હોને વાલી થી, લેકિન મેં યહાં પે ઉસકે 10 દિન પહેલે હી આ ચુકા થા. ઓકે, સો કેસે જોબ્સ અપને અપ્લાઈ કિયે? મેં યહાં પે દો તરીકે સે જોબ અપ્લાઈ કિયા હૈ. સબસે પહેલે મેં બતાના ચાહતા હું ઓનલાઈન કે બારે મેં. તો ઓનલાઈન મેં કેસે અપ્લાઈ કિયા કે યહાં પે જો બડે સ્ટોર્સ હૈ, વોલમાર્ટ હૈ, કોસ્કો હૈ, નોફિલ્સ હૈ, ફ્રેસ્કો હૈ, યહાં પે તો વો લોગ ફિઝિકલ આપકે રિઝ્યુમ નહીં લેંગે. તો યહાં પે મેં ઓનલાઈન અપ્લાઈ કિયા ઓર ઓનલાઈન અપ્લાઈ કરને કે બાદ. સો કુછ બાતેં મેં બતાના ચાહતા હું ઓનલાઈન અપ્લાઈ કરને કે લિયે, कि जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो तो डायरेक्ट कंपनी के वेबसाइट को प्रीफर करें, क्योंकि कंपनी वेबसाइट थ्रू अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो आपका कंसिडरेशन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है. और एट दी एंड आप लिंक्डइन और इंडिन को प्रीफर कर सकते हैं. ऑनलाइन एप्लीकेशन का यही सिनेरियो है कि उसका जो हायरिंग प्रोसेस है जो काफ़ी लंबा है, अराउंड 2 or 3 weeks आपको वेट करना पड़ेगा. सो यही प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए. और जब आप स्टोर में जा रहे हो, बड़े बड़े सुपर स्टोर में, वहाँ पे रिज्यूमे वो लोग फिजिकली एक्सेप्ट नहीं कर सकते. सो आपको डायरेक्टली ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा. सो ऑफलाइन का क्या सीन है अप्लाई करने के लिए पीटरबोरो? ऑफलाइन का ये सीन है कि सबसे पहले तो आप अपना रिज्यूमे करवाइए, प्रिंट आउट करवाइए और अपनी अवेलेबिलिटी को मेंशन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैनेजर्स भी, आप जहाँ भी जाओगे मैनेजर्स आपकी अवेलेबिलिटी ही चेक करेंगे, आप कितने दिन काम करने के लिए अवेलेबल हो. तो मैं यही बताना चाहूँगा कि अपने क्लासेस के जो आवर्स है वो अच्छे से देख लीजिए और अपनी अवेलेबिलिटी में अच्छे से उसे मेंशन कीजिए. ओके, सो अगर आप रेज्यूमे विदाउट एनी काइंड ऑफ कॉस्ट प्रिंट करवाना चाहते हैं फ्री में, सो यहाँ पे काफ़ी एजेंसी है जिसका नाम है YMCA, वहाँ पे जाके भी आप अपना फ्री में रिज्यूमे कटवा सकते हैं. दूसरा भी है EPC है जो डाउनटाउन में है, वहाँ जा पे कि आप अपना फ्री में रिज्यूमे कटवा सकते हैं. सो ऑफलाइन का कुछ बारे में बताओ डिटेल में, क्या क्या करना पड़ता है ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए स्टोर्स में? जो यहाँ पे जो सुपर स्टोर्स है वो इतने ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे जो लोकल रेस्टोरेंट्स है यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि फिजिकल जा सकते हैं और वहाँ पे जो मैनेजर से डायरेक्ट बात कीजिए आप लोग, और मैनेजर से ही बात कीजिए, दूसरे वर्कर्स से आप मत बात कीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि सीन है कि आप जो अपना रिज्यूमे है वो सिर्फ और सिर्फ मैनेजर्स को ही दीजिए, किसी और वर्कर्स को नहीं. और अप्लाई करने के 2-3 दिन बाद फिर से वहाँ पे जाइए और फॉलोअप लीजिए, क्योंकि ऐसा करेंगे तो आपके चांसेस भी बढ़ जाएंगे और मैनेजर को भी लगेगा कि आप जॉब करने के लिए इंटरेस्टेड हैं. ओके, सो साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या है कि काफ़ी एक एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है, वहाँ आप फिजिकली जाके अपना रेज्यूमे दे सकते हैं. अगर कुछ अपकमिंग हायरिंग रिक्वायरमेंट आती है तो वो आपको डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. सो एक चीज़ काफ़ी एक नोटिस करना, जब आप जॉब्स फाइंड कर रहे हैं इन पीटरबोरो, सो एट दी एंड कुछ आप टिप्स देना चाहते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं जो करंट स्टूडेंट्स है और अपकमिंग स्टूडेंट जो आ रहे हैं नेक्स्ट वाले इनटेक में, वो क्या चीज़ फॉलो कर सकते हैं, वो क्या चीज़ नोटिस कर सकते हैं जब वो अपनी जॉब्स अप्लाई कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं अपकमिंग स्टूडेंट के लिए एक चीज़ सजेशन देना चाहूँगा कि अपने जो क्लासेस है जब से शुरू होने वाले उससे 10 या 15 दिन पहले ही आ जाइए, क्योंकि ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि
यहाँ पे क्या सिस्टम है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो सबसे पहले आएंगे आप तो सबसे पहले आपको जॉब के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और जो करंट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मुझे तो अपना जॉब रेफरेंस के बिना मिल चुका है, क्योंकि मैं यहाँ पे 10 और 15 दिन पहले आ चुका था। लेकिन जो अभी करंट स्टूडेंट्स है जिसको जॉब नहीं मिल रही, तो वो क्या कर सकते हैं कि जो यहाँ पे स्टोर्स है, वॉलमार्ट है, फ्रेस्को है, तो वहाँ पे जाइए, वहाँ पे जो अपने कम्युनिटी के लोग हैं जो वहाँ पे वर्क कर रहे हैं उनसे बात कीजिए, उनसे अपना रेफरेंस लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास रेफरेंस नहीं है तो ऐसे भी आप जा सकते हैं, या सिटी एक्सप्लोर कीजिए, यहाँ पे अपने कम्युनिटी के लोग बहुत हैं, तो कहीं ना कहीं से भी रेफरेंस आपको मिल जाएगा। घर पे मत बेचिए, एक सजेशन और दूंगा, घर पे यहाँ पे मत बेचिए कि नहीं मिल रही है जॉब, ये नहीं हो रहा है, घर पे मत बेचिए, जाइए बाहर निकलिए और लोगों से मिलिए, आपको जरूर जॉब मिल जाएगी। ओके, सो आप इंडिया बैठे बैठे कैसे जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं, या यस क्या कर सकते हैं कि आप जो बड़े बड़े स्टोर से डायरेक्टली कंपनी के वेबसाइट में जाए, वहाँ जाके अप्लाई करती है। फ़ोन नंबर नहीं है तो कुछ इश्यूज नहीं, क्योंकि सारी की सारी जो प्रोसीजर है डायरेक्ट ईमेल के थ्रू होती है। सो एक एडवांटेजेस आप ले सकते हैं घर बैठे बैठे जब आप तैयारी कर रहे हैं अराउंड 2-3 वीक्स के बाद कैनेडा आने के लिए। सो आप ये प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। सो वन मोर थिंग, आप क्या कर सकते हैं, जब अपना ओरिएंटेशन हो रहा है उसके बाद आप ऑन कैंपस जॉब्स फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ऑन कैंपस आपके पास एक कैपेबिलिटी होती है, आपके पास एक एडवांटेजेस होता है कि आप अनलिमिटेड वर्किंग कर सकते हैं ऑन कैंपस। सो उसका भी आप एक सर्चिंग करना स्टार्ट कर देना जब आपका ओरिएंटेशन समाप्त हो उसके बाद। सो गाइस, एट द एंड में कुछ बातें बताना चाहता हूँ इम्पोर्टेंट, और यही है कि यहाँ पे क्या होता है कि ईमेल के थ्रू और टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आपको काफ़ी कंपनीज के ऑफर लेटर आते हैं, तो वो भी एक प्रकार का स्कैम्स है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि स्टूडेंट्स अपना पर्सनल डिटेल दे देते हैं कंपनीज को। सो उसके बाद वो एक काफ़ी के इश्यूज फेस करते हैं, लाइक दे लॉस्ट देयर मनीज एंड सो वो चीज़ है का ध्यान रखना। और एट द एंड गाइस, मैं सारी की सारी सुपरस्टोर कंपनीज की लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो आप वहां जाके अपना अप्लाई कर सकते हैं। सो एट द एंड, थैंक यू फॉर जॉइन द कन्वर्जेशन, आपका एडवाइस और आपकी जो इम्पोर्टेंट टिप्स थी जो काफ़ी हेल्पफुल हो रही करंट स्टूडेंट्स और अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए। सो थैंक यू फॉर जॉइन द कन्वर्जेशन, और गाइज ऐसे ही गाइज वीडियो को सपोर्ट करते रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही शेयर करते रहे। कुछ एडवाइस हो, कुछ कॉमेंट हो, कुछ नया कॉन्टेंट आप देखना चाहते हो तो मेरे को डायरेक्ट आप कॉमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। I'll go through it.